एमटीपी का क्या मतलब है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, जिसको हम कॉमनली बोल देते हैं अबॉर्शन। ठीक है, उसमें हम करते क्या है? एक तो बेटा अर्ली प्रेगनेंसी है ना, ये तो है मेडिकल टर्मिनेशन। एक होती है अर्ली प्रेगनेंसी की भी, आपको जो है पहले महीने में ही पता चल गया प्रेगनेंसी है और अनडिजायर्ड प्रेगनेंसी है, हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो वो तो क्योंकि उस टाइम तो अभी जाइगोट एम्ब्रियो थोड़ा सा बनना शुरू ही हुआ होता है, तो उस टाइम तो सिर्फ पिल्स देते हैं जिससे वो डेड होके विद मेंस्ट्रुअल फ्लो निकल आता है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। जब बच्चा थोड़ा पहले महीने के बाद ग्रो कर जाता है, ठीक है, और फिर उस टाइम प्रॉपर मेडिकल केयर से अबॉर्ट किया जाता है, पहले कुछ टेबलेट्स दे के बच्चे को डेड किया जाता है, एंड फिर उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेजाइना सर्विक्स से अंदर डालकर देन यूट्रस को क्लीन किया जाता है। दैट इज प्रॉपर अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तकरीबन हर साल 40 to 50 million एमटीपीज होती है पूरे वर्ल्ड में, और टोटल प्रेगनेंसीज की हम क्या कहते हैं, 1/5 की जो क्या है वो एमटीपी है। एमटीपीज एक तो हम विद डिजायर करते हैं कि भी हमें नहीं चाहिए या विद सम, ठीक है, या फिर दूसरा है कई बार क्या होता है चाइल्ड डेड खुद ही विद सम रीजन, है ना, ड्यू टू अनरोन रीजन जो है वो बच्चा अभी डेवलप ही नहीं होता, 2, 2.5, 3 महीने के बाद क्या है वो मर जाता है। तो उसमें भी क्या है कि हमें वो पूरी अंदर से क्लीनिंग करनी पड़ती है डॉक्टर्स को, तो क्या करना पड़ता है, अगेन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से वो पूरा क्लीन करते हैं यूट्रस को। ठीक है, तो इंडिया में अगर डिजायर्ड एमटीपी भी करवानी है तो इट इज सेफ एमटीपी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तकरीबन 12th वीक तक पर सेफ प्रेगनेंसी है, सेफ जो है वो एमटीपी है। उसके बाद जो है द रिस्क टू द मदर इंक्रीजेस, बच्चे को तो हम चाहते ही नहीं है बट रिस्क टू द मदर इट इंक्रीजेस आफ्टर 12th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जेस्टेशन। ठीक है, एंड तो इसलिए 12th किसी भी कंडीशन में अनलेस एंड अंटिल कुछ और बहुत मेजर प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज 12th 3 महीने तक की प्रेगनेंसी को अगर अबॉर्ट किया जाए तो वो लीगलाइज है, उसके बाद प्रेगनेंसी को खत्म नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो मेडिकल इन रिस्पेक्ट टू द मेडिकल केयर, मेडिकल कंडीशन ऑफ द मदर वो देखा जाता है, और दूसरा लोग क्या करते हैं क्योंकि तकरीबन 3rd महीने के बाद बच्चे का जो है अल्ट्रासाउंड से सेक्स का पता चलता है, टू प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड ऑल्सो। ठीक है, दिस इज ये बहुत स्ट्रिक्टली जो है ये हम सरकार तो चाहती है कि ये बहुत स्ट्रिक्टली जो है इस पे काम किया जाए। ठीक है, सो इट इज डन बाय क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर से ही होता है। तो दिस इज एमटी, ठीक है, लिख लो जल्दी से, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और अबॉर्शन, जल्दी से ये नोट कर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन, और दीज आर वेंड्रल डिजीजेस। ठीक है जी, एसटीडी या आरआईटी या फिर वीबी, दैट इज वेंड्रल डिजीज। ठीक है जी, तो ये क्या है बेटा? सिर्फ इसमें बहुत सारी एड्स और ये सब है, यहाँ पे आप एक स्टार डाल के पॉइंट लिखोगे सबसे पहले, एड्स इज द एसटीडी विच डज नॉट इन्फेक्ट सेक्स ऑर्गन्स किसी भी स्टेज पे। बाकी सब जितने डिजीजेस है वो पहले सेक्स ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, फिर दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकते हैं,
बट एड्स इज द ओनली एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच डज नॉट इम्पैक्ट सेक्स ऑर्गन. इज इट ओके? ठीक है. उसके बाद जो एसटीडीज है कॉज्ड बाय कुछ बैक्टीरिया से, कुछ वायरसेस से, फंजाई, प्रोटोजोन्स, क्लेमाइडिया एक्सेट्रा, कैसे ट्रांसमिट होते हैं? बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इंफेक्टेड पीपल. दूसरा है शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, एड्स है या हेपेटाइटिस है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लेड्स वगैरह से. तीसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर इन्फेक्टेड पेशेंट का या इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी और को चढ़ा दिया जाए तब भी ट्रांसमिशन हो सकता है, या फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, क्योंकि कई बार कुछ वायरसेस जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस वायरस है, दीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड दे मे इन्फेक्ट द न्यू बोर्न ऑल्सो. ठीक है जी. इसमें एचआईवी जो है वो नॉन क्योरेबल है, क्योर नहीं है, उसको हम थोड़ा सा उसको लोअर डाउन कर सकते हैं, कुछ मेडिकेशन है बट उसको क्योर नहीं किया जा सकता. ऐसे ही हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल हर्पीस, इन तीन एसटीडीज को छोड़कर बाकी जितनी एसटीडीज है दे आर क्योरेबल इफ डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेजेस. जब वो क्रॉनिक हो जाए, देर हो जाए, तो फिर उनका क्योर, क्रॉनिक डिजीज तो कोई भी जो है क्योर होना मुश्किल होता है. ठीक है. बट इफ डिटेक्टेड अर्ली दे कैन बी क्योर्ड इजीली. जो इनके एक कॉमन सिम्टम्स है, जितने भी एसटीडीज है, इसको छोड़ दो, मेरा मतलब एड्स को छोड़ दो, बाकी जितने भी जो है अर्ली सिम्टम्स है वो क्या है, दैट इज फ्लूइड डिस्चार्ज, ईचिंग, स्वेलिंग, पेन एक्सेट्रा इन द जेनिटल रीजन, जो एक्सटर्नल जेनिटेरिया है वहां पे, ये सभी जितने भी ये जो एसटीडीज है इन सबकी कॉमन फीचर्स है. ठीक है. और अगर हम एसटीडीज का ट्रीटमेंट नहीं लेते, ऐसे ही चलते रहते हैं तो फिर क्या है कि उसमें क्या है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीजेस, बहुत ज्यादा इंफ्लेमेशन, मतलब कि आपके लोअर पेल्विक रीजन में क्या हो जाएगा, एक तो सेक्स ऑर्गन्स के आसपास जो है प्रॉब्लम्स होंगी, और ऊपर से वो इन्फेक्शन, क्योंकि कोई एपिडिडिमस, कोई फेलोपियन ट्यूब्स यहाँ से तक जा रही है, तो पेन है ना, पेन इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन, पेल्विक रीजन में कॉन्टिन्यूसली पेन रहेगी, स्वेलिंग हो जाएगी अंदर. ठीक है. और अगर प्रेगनेंसीज हो जाए तो स्टिल बर्थ वही कि मरा हुआ बच्चा पैदा हो जाता है, अबॉर्शन मतलब बच्चा बना ही नहीं पूरा, उससे पहले ही अबॉर्शन हो गई. एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स इम्प्लांटेशन इन द फेलोपियन ट्यूब, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर स्टेरिलिटी, या फिर मे कॉज कैंसर इन सम केसेस, कुछ केसेस में कैंसर भी हो सकता है. ठीक है. ये करो, पहले ये लिखो और फिर हम आगे करते हैं. मैम. हाँ जी मैम. एचआईवी पॉजिटिव और एड्स दोनों अलग अलग कंडीशन है? नहीं बेटा, सेम है. चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा. एसटीडीज आर कॉमन इन पीपल ऑफ एज 15 to 24 years, वो तो उससे बाद भी जाता है, बट इस टाइम जो है मोस्ट वल्नरेबल स्टेज है जहां पे इंफेक्शन हो सकती है. ठीक है. हाउ टू प्रोटेक्ट एसटीडीज, नो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, और शायद इसी कारण मोनोगैमी या मोनोएंड्री जो है वो प्रमोट की गई होगी. अनदर इज यूज ऑफ कंडोम्स. हम क्या प्रमोट की होगी? मोनोगैमी, पहले जैसे पॉलीगैमी थी, बहुत सारी शादियां होती थी है ना,
मतलब किसी सोसाइटी में एक मेल की बहुत ज्यादा वाइफ्स है, कुछ सोसाइटीज में बेटा मैट्रियार्कियल सोसाइटी भी है, एक फीमेल के बहुत ज्यादा हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो बेटा इन्हीं चीजों साइंस की वजह से ही, एक तो सोशल रीजंस तो चलो जो है सो है, बट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस जब ये एसटीडीज वगैरह के बारे में पता चला, तो फिर उससे जो है वो मोनोगैमी जो है वो प्रमोट की गई, एक पार्टनर ही होना चाहिए, ठीक है। तो यूज ऑफ कंडोम्स ताकि सेक्स ऑर्गन्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ना आए दोनों, और जिससे ट्रांसमिशन ना हो, एंड यू नो प्रॉपर कंसल्टेशन विद डॉक्टर्स, ऐसे ही नहीं किसी के पास चले जाना है, विद डॉक्टर्स इन केस ऑफ एनी सिम्पटम्स। इन केस ऑफ एनी सिम्पटम्स, ठीक है, देखो जरा ये तो बेटा ये इन जनरल उसी के अंदर है एसटीडीज में, ठीक है। तो ये है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज, हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज, ये आ जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डायग्नोसिस ऑफ एसटीडी, कैसे डायग्नोस किया जाए। तो फर्स्ट है कल्चरिंग ऑफ द टिश्यू, कई बार हम फ्लूइड ले लेते हैं वहां से, टिश्यू और फ्लूइड फ्रॉम इंफेक्टेड एरिया। मैम इसकी हेडिंग क्या है बेटा? इस ये हेडिंग है प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज, और यहां पे आ जाता है दैट इज डायग्नोसिस ऑफ एसटीडी, ठीक है जी। सो कल्चरिंग ऑफ टिश्यू एंड फ्लूइड फ्रॉम द इंफेक्टेड एरिया एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है जी। दूसरा आ जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तीसरा आ जाता है बेटा अलाइजा। अलाइजा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट बायोएसिड, एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट बायोएसिड। तो दिस इज डायग्नोसिस ऑफ एसटीडी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मैम ये है क्या जो लिखा है सेकंड थर्ड? बेटा ये सब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो हमने किया था, पीसीआर तो हमने किया, किया था कि नहीं? पीसीआर तो किया था जहां पे मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं डीएनए की। यस मैम। और थर्ड? थर्ड है एलाइजा, ये एक टेक्निक है जिससे हम एंटीबॉडी या एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं ब्लड में, अभी हम करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा वेरियस एसटीडीज। सॉर्बेंट का मतलब होता है बेटा, सॉर्बेंट का मतलब होता है किसी चीज से अटैच होना, सरफेस पे, एब्जॉर्प्शन वाला कंसेप्ट है सॉर्बेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा वेरियस एसटीडीज।
कौन सी है? तो सबसे पहले आ जाता है बेटा साइफिलिस, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ट्रिकोनीमा, कलाइडम, ये बैक्टीरियल है, ट्रिकोनीमा कलाइडम ब्रैकेट में लिख लेना बैक्टीरियल। सिम्टम्स क्या है? पेनलेस अल्सर्स ऑन जेनिटेलिया, स्वेलिंग ऑफ लोकल लिम्फ नोड्स जो जेनिटेलिया के आसपास लिम्फ नोड्स है उनमें स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है, मतलब ये तो जेनिटेलिया के आसपास है, अदरवाइज स्वोलन जॉइंट्स, अल्सर्स ऑन नोज, लेग्स एक्सेट्रा, कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। एंड दीज कैन बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक, कुछ ज्यादा नहीं करना होता, एंटीबायोटिक से ही ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड है गोनोरिया, इट इज गोनोरिया एंड इट इज अगेन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नाइसीरिया गोनोरिया। दिस इज अगेन ए बैक्टीरियल डिजीज। नाइसीरिया गोनोरिया एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? फर्स्ट फील्ड डिस्चार्जेस मेल और फीमेल दोनों में येलो कलर का पस फील्ड डिस्चार्ज है। पेन अराउंड जेनिटल्स मतलब एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जैसे ही यूरिन पास होता है तो अंदर से ऐसे लगता है कि जल गया है सब कुछ, बर्निंग सेंसेशन वेरी पेनफुल। लीड टू आर्थराइटिस, आई प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन ऑफ इन्फेक्टेड मदर, बेटा जब बच्चे हुए तो मदर इन्फेक्टेड थी तो कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज जो मदर से है वो बच्चे में गई एंड इट कॉज्ड आर्थराइटिस या आई प्रॉब्लम्स इन द यंग बॉर्न्स इन द न्यू बॉर्न्स। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जेनिटल हर्पीस। वायरल डिजीज है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस,
HSV herpes simplex virus. Symptoms वही है, that is ulcers, discharge, painful genitalia, यही सब है. Another is genital warts. It is caused by human papilloma virus. HPV. Symptoms में अब हम इनके लिखेंगे, वही common symptoms है. It is HPV. And all of these are cured by antibiotics. Next आ जाता है बेटा Trichomoniasis. Next is It is caused by a protozoan. Trichomonas vaginalis. It is a protozoan. Bracket mein likh lena. Trichomoniasis caused by the protozoan. Trichomonas vaginalis. नेक्स्ट आ जाता है बेटा कैंडिडिएसिस. नेक्स्ट इज कैंडिडिएसिस. मैम रिपीट करना. नेक्स्ट है कैंडिडिएसिस. इट इज कॉज्ड बाय Candida albicans. It is caused by a fungus. Candidiasis. It is caused by a fungus called as Candida albicans. इसको commonly बोलते हैं बेटा vaginal yeast because it commonly infects the vagina of female. बहुत ही कॉमन है वेजाइनल यीस्ट. इसके सिम्टम्स लिख लो पेनफुल इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन होता है स्वेलिंग आ जाना, रेडनेस हो जानी. पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना. पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना. और यहाँ पे वेजाइना से ठीक Cheesy discharge. Thick, cheesy discharge. It can be cured by taking antifungal antibiotics. Antifungal creams or lotions. Proper hygiene, etc. So these are some of the sexually transmitted diseases in humans. ठीक है जी, हो गया. Next मैम. हाँ जी बेटा. मैम ट्राइकोमोनियासिस किसके थ्रू मैम, मतलब क्योर किसके थ्रू होते हैं? बेटा ये भी हल्की एंटीबायोटिक से ही होता है.
ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का क्या मतलब है बेटा? इनेबिलिटी, टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। दैट इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। ठीक है, फिर है primary infertility and secondary infertility. Primary infertility means a couple ya a female who has never conceived, कभी भी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं, who has never conceived, और secondary infertility means who cannot conceive for the second time, who could not conceive for the second time. That is secondary infertility. What are the reasons for infertility? सबसे पहले आजकल जो कॉमन है साइकोलॉजिकल, या स्ट्रेसेस। सेकेंड आ जाते हैं बेटा इम्यूनोलॉजिकल, कुछ इम्यून सिस्टम के कारण, या सम फिजिकल रीजन। अनदर इज क्रिप्टोकॉर्डिज्म। Cryptocordism is intra-abdominal testes. Testes scrotum में आई ही नहीं है, intra-abdominal testes. Another is impotency. Impotency क्या है? Inability of the penis to erect mainly due to जो है वो किसके कारण है? Deficiency of testosterone. Deficiency of testosterone. Another is alcoholism, alcohol से क्या होता है बेटा? Which leads to oligospermia. Oligospermia bracket में लिख लो, few sperms in the semen, less sperms in the semen. Hormonal
इम्बैलेंस, मेनली किसका हार्मोनल इम्बैलेंस, गोनेडोट्रोफिन। और गोनेडोट्रोफिन कौन से हैं, FSH या फिर LH या ICSH। Another is unavailability या low motility sperms। Sperms में sufficient motility नहीं है due to some reason, जिसके कारण दे कैन नॉट रीच अप टू एग्स इन फीमेल फलोपियन ट्यूब्स। इंफेक्शंस लाइक मम्प्स या फिर एंड वेनरल डिजीजेस। Another is no ovulation. Another is blocked vas deferens in male or blocked fallopian tube. In females, non-formation of healthy eggs. Unsuitable uterus. यूट्रस जो है वो हेल्दी नहीं है, अनसुटेबल यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। दीज आर सम ऑफ द नोन रीजंस, बाकी अननोन रीजंस बहुत सारे हैं, बट दीज आर सम ऑफ द नोन रीजंस विच कॉज इनफर्टिलिटी। ठीक है जी, कर लिया? Yes ma'am. Yes ma'am. Everybody done? Yes ma'am. Next हम आ जाते हैं इन सबका infertility का treatment क्या क्या है। ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अनदर इज IUI, फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। पहले तो ये किसमें किया जाता है, मेल्स हैविंग less number of sperms, जिनके sperms कम है, या हम वही कह सकते हैं sperms in semen।
इसमें क्या किया जाता है, दैट सीमन इज कलेक्टेड, एक बार का नहीं दो तीन बार का सीमन जो है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इट इज वॉश्ड, उसको प्रॉपर से वॉश किया जाता है, देन हेल्दी फॉर्म्स या हम कह सकते हैं वॉश्ड टू रिमूव unhealthy sperms सबसे पहले ये, फिर दूसरा है females are given FSH to induce super ovulation. सुपर ओव्यूलेशन का क्या मतलब है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ मोर देन वन एग्स साइमल्टेनियसली, ताकि एटलीस्ट कोई एग जो है वो फ्यूज कर जाए. और थर्ड है semen is injected in the cervix of female with the help of catheter ek syringe ke aage ek tube hai jiske through semen is injected या inseminated in the cervix of the female. This is called as IUI या artificial insemination या फिर हम इसको AIT artificial insemination technique. AIT is artificial insemination technique. Cervix या हम कह सकते हैं vagina या cervix of female. ठीक है जी, done. ये बहुत common है. सबसे पहले जब infertility वाला केस आता है तो सबसे पहले हम IUI ही करते हैं. अगर दोनों मेल फीमेल ठीक है, मेल्स में हल्की मोटी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ये किया जाता है. इज इट ओके? और यहाँ पे IUI इज डन फॉर टू टू थ्री डेज रेगुलरली ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन पीरियड. ये बेटा अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है रेगुलरली कि कब ओव्यूलेशन होने वाला है. ठीक है, तो वो दो तीन दिन जो है टू टू थ्री डेज रेगुलरली स्पर्म्स या सीमन इंजेक्ट किया जाता है. और अगर फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं, यूट्रस ठीक है, तो जनरली IUI से प्रेगनेंसी हो जाती है. AIT के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अगर इससे भी नहीं कुछ हो रहा फिर हम करते हैं IVF. ऑल्दो बहुत ही मुश्किल टेक्निक है, सक्सेस रेट 20% तक है मैक्सिमम, बट फिर भी लोग करवा रहे हैं और हो भी जाता है कई बार. Another is IVF. फुल फॉर्म है इसकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन.
इसको कॉमनली कह देते हैं बेटा टेस्ट ट्यूब बेबीज, क्या किया जाता है वही फीमेल को FSH सुपर ओव्यूलेशन सेकेंड है एग्स आर रिमूव्ड या यू कैन से एग्स आर टेकन आउट कलेक्टेड क्या कहेंगे क्या कलेक्टेड कह लो या कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल्स बाय अगेन हम बात कर रहे हैं इंसर्टिंग कैथेटर इन फलोपियन ट्यूब्स उसके बाद है सीमन इज कलेक्टेड उसके बाद वॉश्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड इनहिबिटर्स On sperm surface are removed. नहीं तो ये फीमेल के ट्रैक में तो खुद ही रिमूव हो जाते हैं बट जब बाहर फर्टिलाइजेशन करनी है तो ये यू नो आर्टिफिशियली रिमूव किए जाते हैं देन मिक्सिंग ऑफ एग्स With sperms in the test tube, buffer लेते हैं जिसमें आपने buffers पढ़े हैं जिसमें हम eggs और sperms को mix कर देते हैं fertilization हो ही जाती है fertilization Embryo is allowed to divide up to 8-celled stage. And then introduced in fallopian tubes again by catheter this technique is called as introduction of 8-celled embryo in the fallopian tubes is called as ZIFT zygotic intrafallopian transfer अगर 8-celled स्टेज तक है zygotic intrafallopian ट्रांसफर इफ एम्ब्रियो इज मोर देन 8-celled मैम इसकी फुल फॉर्म क्या है zygotic इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर अगर एम्ब्रियो मोर देन 8-celled है 16-celled 32-celled देन ट्रांसफर्ड इन यूट्रस तब उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं और इसको हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर IUT ये एब्रीविएशंस जो है आपने ध्यान में रखनी है
IUT intrauterine transfer. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, दिस इज देयर इज, और यहाँ पे लिख लो द चांसेस आर ओनली 20%, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज 20%, क्योंकि बेटा एक नेचुरल ढंग से यूट्रस जो है प्रिपेयर होती है फॉर इम्प्लांटेशन. यहाँ पे हम दवाइयाँ दे के उस यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो बाहर हुई है, तो बहुत सारे हॉर्मोनल ट्रीटमेंट दे के यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं. बट ये उसकी मर्जी है कि वो जाइगोट को इम्प्लांट करे या ना करे, एक्सेप्ट करे या ना करे. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. हाँ जी बेटा. हम अगर इतने मेडिकेशंस दे रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे उसके? बहुत सारा, बहुत ज्यादा. देयर आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल हॉर्मोन्स दे रहे हैं. तो ऐसी फीमेल्स में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मूड स्विंग्स बहुत जल्दी है. Then next हम आ जाते हैं बेटा, that is GIC, gametic intrafallopian transfer. इसकी full form है gametic intrafallopian ट्रांसफर, ठीक है. ये किस केसेस में है? व्हेन इट इज डन, पहली बात तो फीमेल डज नॉट प्रोड्यूस हेल्दी एग्स, therefore donor's eggs are used. कोई और फीमेल है जो एग डोनर है ना, उसके डोनर्स एग जो है वो यूज किए जाते हैं. या फिर दूसरा केस है कि फिलोपियन ट्यूब्स या फिर हम कहते हैं या फिर वास डेफरेंस आर ब्लॉक्ड. इस केस में बेटा एग्स जो है ओवरीज में से कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है. सो एग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम ओवरीज, नॉट फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब. अब ओवरीज में से एग्स कलेक्ट किए, ये फेलोपियन ट्यूब थी, यहाँ ब्लॉकेज थी, और हमने क्या किया, हमने ये ब्लॉकेज तो हम हटा नहीं पाए, बट हमने यहाँ पे एग्स और स्पर्म्स को डाल दिया, ठीक है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या है, बोथ एग्स एंड स्पर्म्स, both eggs and sperms are collected, and transferred in the fallopian tubes. And are transferred to the fallopian tubes of the female. ठीक है, इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड इनवेसिव प्रोसीजर. मोर एक्सपेंसिव एंड इनवेसिव मतलब अंदर तक
इंस्ट्रूमेंट्स को लेके जाना पड़ता है, सो मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन. मोर एक्सपेंसिव एंड इनवेसिव. इनवेसिव मतलब बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं. इनवेसिव प्रोसीजर एंड चांसेस ऑफ मोर इन्फेक्शन. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. मैम हाँ जी बेटा. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी मतलब मतलब डोनर होता है कोई? हाँ बेटा, डोनर के फॉर्म्स भी हो सकते हैं, है ना. आजकल बेटा यही थोड़ी सी ये थोड़ी सी चल रहा है कि वहां पे किसी मेल के, किसी कपल के जो मेल है, हस्बैंड है, उसके स्पर्म्स हेल्दी नहीं है, तो डॉक्टर्स जो है ये बजाने की बजाय कि इसके स्पर्म्स नहीं एक्टिव है या हेल्दी नहीं है या कुछ सीमन में स्पर्म्स नहीं है, वो क्या करते हैं किसी के भी स्पर्म्स जो है विकी डोनर टाइप, ठीक है, वो किसी के भी स्पर्म्स जो है वो इंसेमिनेट कर देते हैं. तो थोड़ा सा लीगल प्रॉब्लम्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है. आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल, इसलिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इस तरफ नहीं जाना चाहते कि पता नहीं किसका सीमन जो है वो इंजेक्ट करते हैं. And another is ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Intracytoplasmic sperm injection. Eggs लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट से उस एग को पकड़ते हैं और एक स्पर्म माइक्रोपिपेट से एक स्पर्म उस एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं. मोस्ट रीसेंट टेक्निक है, ठीक है, जिससे वो हेल्दी स्पर्म है, हेल्दी एग है, हेल्दी जाइगोट ही बनेगा, ठीक है. ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर is a specialized procedure to form an embryo in the lab. In this procedure, a single sperm is injected. A single sperm is injected in the egg with the help of a micropipette. A single sperm is injected in the egg with the help of a micropipette. ठीक है, एक चीज गिफ्ट में लिख लेना. It is the procedure done in gift में लिख लो. It is the procedure done in the females. It is the procedure done in the females who could not provide, suitable environment for fertilization. Who could not provide suitable environment for fertilization. But can provide healthy uterus for implant. Ma'am, repeat कर दो. Who could not provide gift is performed. या हम थोड़ा सा नहीं, ये टर्म नहीं, ये जरा एक ये लाइन काटो, एक मिनट ये लाइन काटो और फिर लिखना जरा.
वो आ जाएगा बेटा जिप्ट में, जो मैं लाइन बता रही हूँ वो जिप्ट में लिखना, ऊपर लिखना जहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वहां पे लिखना, जिप्ट वाले में या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में या टेस्ट ट्यूब बेबीज में. इट अकर्स इन दोज फीमेल्स हु कुड नॉट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट, सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन बट हैज हेल्दी यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, बट हैज हेल्दी यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन. यहां पे लिखना है गिफ्ट में लिखो, इट इज मेनली डन इन फीमेल्स, इट इज मेनली डन इन फीमेल्स. ये है जो हु कुड नॉट प्रोड्यूस एग्स, हु कुड नॉट प्रोड्यूस एग्स मेनली बट हैज हेल्दी यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन. हु कुड नॉट प्रोड्यूस एग्स मेनली इसमें जो है हम गिफ्ट करते हैं, हु कुड नॉट प्रोड्यूस एग्स बट हैज हेल्दी यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन. गिफ्ट जनरली उसमें किया जाता है. आईसीएसआई में लिख लो, इट इज द रीसेंट टेक्निक, रीसेंट एंड द मोस्ट एडवांस टेक्निक. And its success rate is 20-40%. Another is जो आजकल चल रहा है, that is surrogacy. Some success rate 20-40%. Surrogacy. हम इसमें क्या बोल देते हैं, सरोगेसी में क्या है, रेंटेड यूट्रस. एग्जेंट स्पर्म्स ऑफ ए कपल आर फ्यूज्ड इन विट्रो एंड Zift is done in another female. आजकल most common है ये. संजय दत्त के जैसे दोनों बच्चे, और जो आजकल शाहरुख खान का भी जो तीसरा लड़का हुआ है, that is done by surrogacy. मैम ICSI में भी आगे मतलब वही होगा Zift. क्या मतलब बेटा? ICSI फोर्थ में, उसमें भी आगे जिफ्ट होगा. उसमें आगे क्या होगा? जिफ्ट ही. हाँ, ICSI में भी जिफ्ट ही होगा, बिल्कुल. ठीक है जी. मतलब मैम ICSI और IVF में बस ये फर्क है कि IVF में वो खुद उसे मतलब जहाँ पे मेल में बहुत कम स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ भी हम ये यूज कर सकते. यस मैम. बट मैम इसी इन्हीं केस में IVF भी कर सकते हैं हम इनका, मतलब जो सेम कंडीशंस अगर हम ICSI की लें तो उसमें IVF हो सकता है, क्योंकि दोनों तो मतलब अगर हेल्दी हैं तो वो अपने आप ही फर्टिलाइज कर देंगे अगर हम उनको हार्मोनल कंडीशंस प्रोवाइड करें. स्पर्म्स चाहिए होते हैं IVF में, बहुत ज्यादा स्पर्म्स चाहिए होते हैं यहां पे. यस मैम. ओके मैम. बट ये सब हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हैं, मेनी साइड इफेक्ट्स आल्सो, एक बार में सक्सेसफुल नहीं होते. यहां पे जो सबसे सुटेबल मेथड है वो IUI या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो फिर भी किया जा सकता है, वो फिर भी ठीक है.
बट ऑल अदर टेक्निक्स आर यू नो दे आर एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लाखों रुपए लगते हैं, बॉडी खराब होती है फीमेल की पर्टिकुलरली, ठीक है. तो इट्स बेटर, पहली बात तो स्ट्रेस ना रखा जाए, नॉर्मल हो, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो ट्रीट करा जाए, और अगर नहीं देन गो फॉर अडॉप्शन. दैट इज द बेस्ट वे टू कंटिन्यू द लाइफ, क्योंकि जिंदगी, ठीक है ना. मेरी मदर के मेरी मदर जिस स्कूल में, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में, वहां पर के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी सरोगेसी कराई थी, अराउंड 30 लाख रुपीज दिया था, जो मदर डोनर मदर थी जिसमें गिफ्ट किया गया, 30 लाख रुपीज मदर को गया अलग से, बाकी जो डॉक्टर बाकी जो अदर ट्रीटमेंट सरोगेसी से भी. बट सरोगेसी में आप देखो पैसे के लिए उस मदर ने, उस फीमेल ने हार्मोन और वो सब लिए होंगे. जब मेरे मतलब मेरी मम्मा ने बताया था मेरे को, तो मेरे मन में पहला क्वेश्चन ये आया कि मतलब जो मदर ने पाला मतलब 9 महीने, उसकी मतलब मेंटल स्टेट थी उस बच्चे को देने की या फिर नहीं. बट मैम आज के डेट में पैसे बहुत मैटर करते हैं लोगों का, इसलिए बेटा पता क्या बात है, जो लोग पैसे दे रहे हैं ना, फिर वो उस मदर को जो सरोगेट मदर है उसकी भी प्रॉपर केयर करते हैं, इसमें वो बात नहीं है, ठीक है. यस मैम, मेरा मतलब फिर वो उनको अच्छा खाना पीना ये वो सब प्रोवाइड करते हैं ताकि हेल्दी बच्चा हो, ठीक है. बट आई कांट है ना कमेंट ऑन दीज थिंग्स, बट दिस इज माई पर्सनल व्यू कि इससे बेटर है अडॉप्शन की तरफ जाओ. बहुत yes, बच्चे डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है ना, उन्हें भी एक अच्छा घर परिवार मिलेगा, और जो हमने क्या बच्चे क्यों कर रहे हैं हम, सिर्फ एक हमारा टाइम बीत जाए, जिंदगी का टाइम है, हमें खुशियाँ मिले ये मिले, है ना, तो वो तो किसी से भी हो सकता है, ठीक है. चलिए दैट इज कपल्स यू नो साइके की क्या है क्या नहीं है. चलिए जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. अब थोड़ा सा हमारा रह गया है, दैट इज डिटेक्शन ऑफ फीटल डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी. डिटेक्शन ऑफ फीटल डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी कैसे डिटेक्ट किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा बेटा एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फीटल सेल्स इन एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारे फीटल सेल्स जो है वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं, उनका हम देख के उनके क्रोमोसोमल स्टडीज करते हैं. उसके बाद आ जाता है बेटा CVS, कोरियोनिक विलाए सैंपलिंग. जो प्लेसेंटा होता है, आधा प्लेसेंटा मदर की वॉल बना रही है, आधा प्लेसेंटा फीटस का बना रहा है. फीटस की जो वॉल है, जो प्लेसेंटा बना रही है, उसे बोलते हैं कोरियोन. उसकी विल्लई है तो उसमें से सैंपल लिया जाता है, तो लिख लो CVS, कोरियोनिक विल्लई सैंपलिंग. द फीटल टिश्यू इज विड्रॉन. Fetal tissue is withdrawn from fetal placenta. From fetal placenta with the help of a tube inserted through vagina. It can be performed even at 8th week of pregnancy. Jo amniocentesis hai, it is generally performed after 10th week or
12th week of pregnancy, जबकि CVS जो है, it can be performed as early as 8th week of pregnancy. ठीक है, this is more invasive than amniocentesis. Invasive means इसमें ज्यादा अंदर तक जाना पड़ता है. It is more invasive than amniocentesis and is thus less used. और थर्ड आ जाता है बेटा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग. अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मेनी डिजीजेस कैन बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासाउंड. ठीक है जी, सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स, और भी होंगे बट दीज आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स टू डिटेक्ट एनी यू नो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम इंडिया में अल्ट्रासाउंड भी बैन है? देखिए अल्ट्रासाउंड बैन नहीं होता, करते तो जरूर है. ठीक है, बट वो प्रॉपर वो क्या कहते हैं कि सेक्स रिलेटेड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड कई तरह के हैं. ठीक है, कि हमने इन जनरल बच्चे की मॉर्फोलॉजी देखनी है, वेट देखना है, साइज देखना है. ठीक है, अदरवाइज इससे ज्यादा सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड है. ठीक है जी. वैसे एमनियोसेंटेसिस भी कई तरह के होंगे कि सिर्फ एक ही? बेटा एमनियोसेंटेसिस तो क्रोमोसोमल स्टडीज है, बट उसमें yes. जो है जैसे फॉरेन कंट्रीज है वहां पे लिख देते हैं कि सेक्स ये है ये है ये है, बट इंडिया में सेक्स वाला नहीं है. वो लिखते हैं कि क्रोमोसोमल नॉर्मल या एबनॉर्मल जो भी है. ओके. और जनरली एमनियोसेंटेसिस इंडिया में तभी होता है अगर कुछ अल्ट्रासाउंड में प्रॉब्लम्स दिख रही हो, कुछ वैसे मदर में प्रॉब्लम्स दिख रही हो, मदर में या कुछ फैमिली में जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो, या फिर मदर हैज द एज अबव 35, उस केस में एमनियोसेंटेसिस करते हैं, नॉर्मली एमनियोसेंटेसिस नहीं करते. हाँ जी बेटा बोलो. एक जो मैम माइक सा रख के मतलब वो साउंड सुनते हैं, वो हार्ट बीट सुनते हैं बच्चे की? वो स्टेथोस्कोप से जो सुनते हैं वो हार्ट बीट बच्चे की, क्योंकि हार्ट तो सबसे पहले बनता है, फर्स्ट वीक फर्स्ट मंथ में बन जाता है हार्ट. तो मैं देखा था मतलब एक मतलब स्पीकर से टाइप था मतलब वो ऐसे करके ना कुछ पुराने डॉक्टर से, पर नहीं तो लोग जो है अल्ट्रासाउंड से सॉरी अपने जो स्टेथोस्कोप है उससे भी सुन लेते, नहीं तो एक हाँ वो माइक की तरह से होता है उसको लगा के जो है डॉक्टर सुन लेते हैं. ठीक है जी, तो ये जो है दिस इज ऑल अबाउट योर यू नो रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है जी,